वफाकी काबीना ने मरियम नवाज का नाम ईसेल से ना निकालने का फैसला कर लिया। काबीना ने जेली कमेटी के फैसले की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना इजलास हुआ, जिसमें इमरान खान ने मरियम नवाज के मामले पर काबीना अरकान से राय ली और पूछा किसी को ज़ेली कमेटी के फैसले पर एतराज़ है, जिस पर काबीना अरकान ने कहा ज़ेली कमेटी के फैसले की तौसीक करते हैं। दूसरी जानिब काबीना ने 15 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। अद्वियात की ज्यादा से ज्यादा कीमत फरोख के तायुन, फेडरल लैंड कमीशन के सीनियर मेंबर की तैनाती और LOC के करीब बसने वाले अवाम के लिए BISP के तहत खुसूसी रिलीफ ग्रांट की मंजूरी दी। कराची पोर्ट ट्रस्ट के GM ऑपरेशंस की पाक बहरिया से डेप्यूटेशन का मामला, फर्स्ट वुमेन बैंक एक्सिम बैंक के CEOs की तैनाती, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी और कानून में तरमीम की मंजूरी दी गयी। वफाकी काबीना इजलास में नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन और अराकीन की तकरीरी, नेशनल पार्क मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील की भी मंजूरी दी गई।